हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्रोशिया बॉर्डर बताऊंगी जो स्वेटर के लिए होगा। बहुत ही आसान इस तरह का है, ठीक है फ्रेंड? बहुत इजी डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान डिजाइन है ये। बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसका आप जैकेट वगैरह भी बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इजी डिजाइन है ये। इसके लिए मैंने ओसवाल का पारस मणि वूल लिया है। ये 3-ply वूल है और कलर मैंने, जेंट्स का स्वेटर बनाना है तो जिसके लिए मैंने ये कलर लिया है। आप अपने पसंद का कलर ले सकती हैं। ये 100 ग्राम का आता है और प्राइस अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां उस तरह होती है। हर तरह कहीं 100 में है, कभी 110 में है, इस तरह ये 100 ग्राम के होते हैं। कभी कहीं किसी जगह 125 में भी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करिएगा आपकी तरफ ये कितने में है। और कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इस तरह की क्रोशिया हुक चाहिए जो कि अलग अलग नंबरों की होनी चाहिए। अब मैं इसको बनाने के लिए मैं बनाऊंगी ये 3 mm क्रोशिया हुक से बनाऊंगी, और ये दूसरी जो है 2.5 mm की है, 2.5 mm की है, तो उससे नहीं, ये 3.0 mm से बनाऊंगी मैं। और इसको, इसके लिए आप 12 नंबर की भी क्रोशिया हुक ले सकते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाने के लिए इस तरह ऊल को क्रोशिया हुक में फंसा कर घुमा देते हैं, जिससे फर्स्ट चेन बन जाती है और सेकंड, थर्ड, थ्री हो गई इस तरह। और उंगली में ऊल को इस तरह फंसाया जाता है। इसके बाद बुनाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ आपको किस तरह फंसाना है। और आप अगर बिगनर्स हैं तो उंगली में जरूर लपेट लिया करें। जो एक्सपर्ट हैं वो बिना लपेटे बना सकते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं हो उनको उंगली में अपनी ऊल को लपेट लेना चाहिए ताकि वो टाइट रहे बुनते वक्त। इस तरह हम 16 चेन बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए। 16 चेन बनाने के बाद फिर डिजाइन स्टार्ट करेंगे। चेन बनाने के लिए ये होता है, जब भी हम क्रोशिया हुक को इंसर्ट करें तो धागा ढीला होना चाहिए इस तरह, देखिए नीचे से। और फिर जब हम फंदे को खींचे तो उंगली को अपना थोड़ा टाइट कर लें ताकि आसानी से फंदा आ जाए। इसके बाद अब देखिए, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे। देखिए, क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे, उसमें फंदे को फंसा करके इस तरह खींचेंगे। देखिए, जब इंसर्ट करेंगे तो वही है प्रोसेस, ढीली रहेगा धागा, और जब हम खींचने लगेंगे तो इस उंगली से धागे को दबा लेंगे, टाइट हो जाएगा ये। जो हमारे हाथ की सबसे छोटी उंगली है, इस तरह फिंगर से दबा लेंगे हम और फंदे को देखिए टाइट करके। देखिए, फंदा निकालते वक्त यहाँ से दबा लेते हैं, टाइट हो जाए। इस तरह आसानी से फंदा आ जाता है। जब आ जाए तो फिर ढीला कर देते हैं। देखिए, अब ढीला कर दिया। लेकिन जब भी फंदे को आपको निकालना हो, नीचे से पकड़ लीजिए, ऊपर से टाइट हो जाएगा और आसानी से बनेगा। अब फिर से देखिए, 2 चेन स्किप करेंगे क्योंकि एक हमारी क्रोशिया हुक में है, एक बनी हुई है, 2 हो गई। और अब हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, कोई भी चेन छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह पहली रो को बहुत सावधानी पूर्वक बनाइए, आसानी से बने धीरे धीरे, क्योंकि ये टफ होता है पहली रो बनाना। ये बेस है, बेस सही बनना चाहिए और ढीला ज्यादा नहीं होना चाहिए। बुनाई देखिए टाइट होनी चाहिए। 16 चेन बनाई थी हमने तो 16 स्टिच आएगी हर एक में। इस तरह बनाएंगे।
इसी तरह दूसरी रो भी, फर्स्ट रो के बाद 16 है ये, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद, 2 चेन बनाने के बाद इस टर्न करेंगे और फर्स्ट को छोड़ करके सेकेंड बनाएंगे, जिस तरह डबल क्रोशे स्टिच में बनाते हैं उसमें 3 चेन बनाते हैं, इसमें 2 चेन बनाएंगे सिंगल स्टिच में। फिर से वही, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया स्टिच, किसी को भी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह दूसरी रो भी बनाएंगे। ये डिजाइन में 2 रो जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी, इसके बाद अपना डिजाइन पैटर्न होगा। इसको भी इसी तरह सावधानी पूर्वक इसका बनाएं। पैंट दूसरी रो भी हो गई सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब ये तीसरी रो जो होगी ये डबल क्रोशिया स्टिच की होगी। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले। थ्री चेन और 1 चेन स्किप करके दूसरी में बनाएंगे डबल क्रोशे स्टिच। फिर से क्रोशे बल लेकर डबल क्रोशे स्टिच जिसको हमने स्किप कर दिया था उसमें अब बनाएंगे। इस तरह इसी तरह तो फिर एक स्किप किया और दूसरे में बनाया, जिसको स्किप किया था उसमें बनाएंगे। इस तरह क्रॉस की डिजाइन बनेगी और ये ढीला रहना चाहिए। जब हम दूसरी बनाए क्रॉस करते हुए तो वो ढीली रहे, वो टाइट ना हो, जिससे डिजाइन उभरी उभरी आएगी और अच्छी लगेगी। देखिए ये वाला जो दोबारा हम बनाएंगे क्रॉस करते हुए, जिसको स्किप किया था स्टिच उस स्टिच में जब बनाएंगे तो उस स्टिच में, तो इस तरह थोड़ा सा उसको ढीला रखेंगे ताकि उभरी उभरी डिजाइन आए। इस तरह फ्रेंड्स दूसरा भी डिजाइन इसी तरह बनाएंगे। देखिए इस रो को इसी तरह कंप्लीट कर, देखिए एक चेन को स्किप कर देंगे, दूसरी वाली में बनाएंगे डबल क्रोशे स्टिच, जिसको स्किप किया था वो स्टिच में बनाएंगे। फिर से स्किप किया और दूसरी में बनाया, बस ये है जो हमको नेक्स्ट वाली बनानी थी उसको स्किप कर देंगे, उसके बाद वाली को बनाएंगे नेक्स्ट को, फिर जो नेक्स्ट थी उसको बाद में बनाएंगे। इस तरह बनाना है। लास्ट तक देखिएगा कि जब रो हम जहां पर एंड करेंगे उसको किस तरह बनाना है। यहाँ तक तो 2 की मल्टीपल का बन गया, अब लास्ट में हमारी 1 चेन बची है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और शुरू में हमने स्टार्ट जब किया था तो 3 चेन बनाते, ये दोनों तरफ बनना बहुत जरूरी है ताकि ये जो हम बॉर्डर बनाए सीधा सीधा बने, ये नीचा ऊंचा ना बनने पाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा लास्ट में एक डबल क्रोशे। अब देखिए फ्रेंड्स 3 चेन बनाएंगे, जब भी स्टार्ट करें 3 चेन बनाए, लेकिन जब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे 2 चेन हमने बनाई है और पहले को स्किप किया है, वो 2 चेन जो है एक सिंगल क्रोशे स्टिच के बराबर होता है। इस तरह अब ये पूरी रो सिंगल क्रोशे स्टिच की बनाई। इस तरह देखिए रो कंप्लीट हुई, उसके बाद जो है दूसरी रो 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना करके इसको स्किप करेंगे दूसरे में बनाएंगे। इस तरह दूसरी रो भी सिंगल क्रोशे स्टिच की, 2 रो सिंगल क्रोशे स्टिच, और जो तीसरी रो होगी थर्ड रो डबल क्रोशे स्टिच, क्रॉस स्टिच बनाते हुए करेंगे उसको। देखिए फ्रेंड्स दूसरी भी जो है रो कंप्लीट हो गई है, ये है एक डिजाइन बन के तैयार हुई है ये बॉर्डर की। फिर
फिर से 3 चेन बनाएंगे, और डबल क्रोशे स्टिच बनाने के लिए फर्स्ट को स्किप कर देंगे, सेकंड में बनाएंगे, सेकंड वाली पहले बनाएंगे, फर्स्ट वाली बाद में, इस तरह क्रॉस करते हुए बनाएंगे। एक डिजाइन हो गई है, इसी तरह सब बनाएंगे जो पहले बनाया था। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की आसान डिजाइन सीखने के लिए, वो भी हिंदी में, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने कमेंट इस करिए कि जैसे आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, आप कुछ भी कमेंट कीजिए, सबका रिप्लाई मैं दूंगी, जो भी बातें आपके मन में हो चैनल को लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह देखिए दूसरा पैटर्न बन रहा है, पहला पैटर्न हो चुका, सेकंड है, और डिजाइन पैटर्न 3 रो का रहेगा और इसी तरह बनता जाएगा। इस तरह देखिए ये बॉर्डर तैयार हो गया, मैंने ये स्लीव के लिए बनाया है, आस्तीन के लिए बॉर्डर, देखिए कितना प्यारा लगा। फिर इसके आगे डिजाइन बनाएंगे, किस तरह बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन स्टार्ट करेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट करने का तरीका, थ्री चेन बनाएंगे, जिसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाया था, इस लूप में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन आस्तीन के बाद फंदे बढ़ाने होते हैं तो यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, और 3 चेन बनाया था इसको लेकर के 4 हो गया। अब दूसरा वाला है, सिंगल क्रोशे स्टिच था, दो रो बनाया था मैंने सिंगल क्रोशे की, ये 4 हो गया इसमें, क्योंकि बढ़ाना था हमने, इसमें 2 स्टिच ज्यादा बनाई है। ये डबल क्रोशे स्टिच है, इसमें भी 2 बार बनेगा, जब सिंगल बारी रहेगी तो उसमें 1 बार बनाना। अब ये सिंगल की जहां भी सिंगल रहेगा तो वहां हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये सिंगल नहीं है डबल क्रोशे स्टिच थी, इसमें स्पेस होता है तो इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच बनेगी, और इसमें भी डबल क्रोशे 2 बार बनेगा। अब ये सिंगल दिख रहा है आपको, इसमें 1 बार, 1 बार स्पेस इतना ही है कि 1 डबल क्रोशे स्टिच बनेगी इसमें और इसमें, दोनों में 1-1 बनाएंगे अलग अलग। रो हो गया, अब ये डबल क्रोशे स्टिच है तो इसमें 2 बार बनाएंगे, स्पेस ज्यादा है, इतना बनाना है जितना स्पेस है आप उतना ही डबल क्रोशे बनाएं, क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टिचेस, केवल 5 या 6 आप बढ़ा सकते हैं आस्तीन में, फिर उसके बाद वो हर तीसरी रो पर बढ़ेगा, एक इधर से एक उधर से, जब हम स्लीव बनाते हैं तो तीसरी रो पर इस क्रोशिया स्टिच में बना, जब क्रोशिया से हम बनाएंगे तो हर तीसरी रो में फंदे बढ़ते हैं इधर से उधर से, और अगर हम सिलाइयों से बनाते हैं तो 5वीं या 6ठी रो में। July.
girl so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you.